हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यू। आज हम ब्रदर 430D 430D मॉडल, जो एक बाटेक मशीन होती है, उसकी पीसीबी रिपेयरिंग के एक वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको एरर 130 सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। एरर 130, इसका जो एरर 30 है मेजरली इसके मॉड्यूल से आता है। ये आप देख सकते हैं, इसका मॉड्यूल आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का मॉड्यूल जिसमें बहुत सारी टांगें बनी हुई हैं, जो पिन निकली हुई हैं साइड में। इसको कैसे चेक करते हैं हम आपको वही बताने वाले हैं। और इसका जो पार्ट नंबर है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसका पार्ट नंबर है। इसे आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके परचेज भी कर सकते हैं, मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट हो आपको अगर। तो ये मॉड्यूल को हम चेक करके दिखाने वाले हैं, इसकी क्या फ्रीक्वेंसीज आनी चाहिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए, कि ये सही है कि गलत है। सबसे पहले हमने सेकेंड लेग पे ब्लैक पेन रख के रेड से चेक कर रहे हैं। हमेशा 0.400 एंड कुछ वैल्यू आ रही है। आप देख सकते हैं इस वाली लेग पे 0.004 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये मॉड्यूल शॉर्ट है और ख़राब है, जो कि हमने इसमें से पहले ही निकाल दिया है बोर्ड में से। बाकी सारी वैल्यू देख सकते हैं एकदम सही आ रही हैं इस तरफ की। इस तरफ से हमने पूरी चेक कर लिया है, पूरी वैल्यूज एक्यूरेट हैं। बस एक जगह मॉड्यूल में एक जगह शॉर्ट आ रहा है, मतलब हमें ये मॉड्यूल रिप्लेस करना पड़ेगा। ये दूसरी तरफ से हम चेक कर लेते हैं कि ये शॉर्ट है कि नहीं है, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप बाद में भी चेक कर सकें। कई बार दूसरी तरफ से मॉड्यूल ठीक होता है और इस तरफ से ख़राब होता है, तब आप ये चेक कर सकते हैं कि दोनों के दोनों एक साथ हमें चेक करना है कि कोई शॉर्ट तो नहीं है दोनों लेग्स पे एक साथ पिन रख के। ये आप देख सकते हैं ध्यान से, इस तरफ से आप देख सकते हैं हर जगह वैल्यू आ रही है, 0.0 वैल्यू नहीं आ रही। अब हम आपको इसका प्रैक्टिकल कैसे हमें मॉड्यूल चेंज करना है पूरा दिखाने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं हमने सारी सोल्डरिंग यहाँ पे निकाल दी है बोर्ड से। जस्ट इस पीसीबी के पीछे ये मॉड्यूल फिट होता है। सबसे पहले हमें सारे पोर्स क्लीन करने पड़ेंगे जो सोल्डरिंग एक्स्ट्रा इस पे लगी हुई है सोल्डर की मदद से। ये इसके सारे पोर्स क्लीन हो गए हैं इस तरफ से। हल्की सी सोल्डरिंग भी लगानी पड़ती है इसको पोर को क्लीन करने के लिए। अब देखिए सारे पोर्स क्लीन होने के बाद हम इसको बाहर निकाल लेते हैं अपने मॉड्यूल को। ये मॉड्यूल के सारे लेग्स क्लीन कर दिए हैं। अब हम इसको दोबारा फिट कर देते हैं क्योंकि ये मॉड्यूल एकदम सही है। इसमें एरर 13 आ रहा था, जो कि मेजरली मॉड्यूल से ही आता है। और जो इसी पिछले वाले केस में हमने दिखाया था उसमें मॉड्यूल हमारा ख़राब था, या हमारा मॉड्यूल ठीक है, जस्ट पुराना होने की वजह से इसमें शॉर्टिंग आ रही होगी। तो उसको हमने दोबारा इसमें फिट कर दिया है और हम अब इसको रन करके भी दिखाने वाले हैं। इसमें हमने जस्ट कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मॉड्यूल को निकाल के प्रेस करके दोबारा इसमें लगा दिया। अब हम इस पीसीबी को मशीन में फिट कर देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। इसके काफ़ी सारे कनेक्शन होते हैं जो कि हमें ध्यान से लगाने होते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा मॉड्यूल भी फिट हो गया है और हमने पीसीबी भी सही जगह पे प्लेस कर दिया है। और हमारी मशीन भी वर्क करना स्टार्ट हो गई है। हमारी बाटेक 430D बाटेक मशीन।
इसी तरह जिस तरह हमने अभी एरर 130 ठीक किया है, इसी को ठीक करने का एक दूसरा वे भी होता है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसी रीज़न के वजह से हमारा एरर 130 आता है। कई बार मशीन का जो व्हील होता है उसका सेंसर ख़राब हो जाता है, उस वजह से भी एरर 130 आता है। हम आपको उसको कैसे ठीक करते हैं वो भी हम आपको करके दिखाने वाले हैं। ये हमारी मशीन एकदम ओके हो चुकी है। तो हमारा जो सेकंड रीज़न आता है 130 एरर का, वो ये आता है कि जो हमारी मोटर होती है पीछे डायरेक्ट ड्राइव मोटर, उसमें जो सेंसर्स होते हैं पीछे, उसकी प्लेट ख़राब हो जाती है, पीसीबी प्लेट। हमें पीछे पूरा बैक मोटर खोलनी पड़ती है उसके लिए। ये आप देख सकते हैं एरो की पे कि ये वाला पीसीबी ख़राब हो जाता है। इसे निडल सिंक्रोनाइज़र भी बोलते हैं। इसके लिए हमें ये पीसीबी पूरा चेंज करना पड़ता है। ये सेकंड रीज़न है एरर 130 आने का। ये पीसीबी प्लेट भी हमारी शॉप पे अवेलेबल होती है। आप आ रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पर जाके हमसे इसको परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया है और मशीन दोबारा वर्किंग स्टेट पे आ गई है। अब एरर हमारा हट चुका है। और एक दूसरा बेबी होता है कि एरर 740 के लिए हमें क्या करना होता है। एरर 740 आता है हमारे जो फैन लगा होता है हमारे पीसीबी बॉक्स में, उसको रिप्लेस कर देते हैं कुछ लोग, या फिर हमारे जो ये फैन का एरर आता है इसमें फैन जो है हमारा इस वक्त गायब है। इस फैन के बिना हमें अगर इसको रन करना है तो इसको कैसे रन करना है वो हम आपको बताने वाले हैं, जिसकी वजह से 740 एरर आ रहा है इस वक्त। जो राइट साइड में छोटा सीपीयू कार्ड लगा हुआ है उसको उतारना पड़ता है। उसके लिए सारे कनेक्शन हमें आराम से खोलने होते हैं। इसके सारे काफी सारे वायर हमें ओपन करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें बहुत ध्यान से इस वायर को निकालना पड़ता है ताकि ये वायर टूट ना जाए। इसके सारे जैक भी खोलने पड़ेंगे। ये आप देख सकते हैं पीसीबी बोर्ड हमारा ओपन हो चुका है और इसको हम बाहर निकाल रहे हैं सारे कनेक्शंस हटा के। ये आपने जो आप देख रहे हैं पीसीबी, इसमें एक छोटा सा जैक लगा हुआ है जिसमें हमारा फैन का जैक लगा हुआ है, जिसकी वजह से 740 का एरर आता है। इसको ठीक करने के लिए अगर हमारे बोर्ड में फैन नहीं है तो इसके लिए हमें जो आप देख सकते हैं एरो पे जो जैक बन रहा है इसको हमें डायरेक्ट करना पड़ता है, मींस इसको शॉर्ट करना पड़ता है पहले और दूसरे पिन को, ताकि बिना फैन के हमारा पीसीबी रन कर पाए और बिना एरर के हमारी मशीन चल पाए। तो हम फैन के बिना भी मशीन को चला सकते हैं ये शॉर्ट करने के बाद। तो ये कैसे जोड़ने में हम आपको बताते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। सोल्डर लगा के हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसको सोल्ड कर दिया।
अब इसकी पिन्स कंबाइन हो गई हैं और शॉर्ट हो गई हैं। अब ये आप देख सकते हैं ये शॉर्ट हो गई हैं। अब हम इसको दोबारा पीसीबी बोर्ड में फिट करके इसको रन करके दिखाते हैं बिना फैन के। ये हमने इसको यहाँ पे फिट कर दिया वापस से, जस्ट फैन वाला कनेक्टर को शॉर्ट करके, ताकि हम बिना फैन के चला सकें अपनी मशीन को। ये हमारा डिस्प्ले का जैक हो रहा है जो इस वक्त लग रहा है। हमने इसके स्क्रूज भी लगाने स्टार्ट कर दिए। ये हमारा पीस भी फिट हो चुका है, इसका पंखा उतरा हुआ आप देख सकते हैं, ये मिसप्लेस है। और हम इसको रन करके दिखा रहे हैं, इसमें एरर 740 रिमूव हो चुका है। ये सामने हमारा मेन कार्ड है और सीपीयू कार्ड है, इसको हमने ऑन कर दिया है, देख सकते हैं पावर आ चुकी है और हमारा एरर 740 रिमूव हो चुका है। तो ये तरीका है एरर 740 का रिमूव करने का, बिना फैन के हमने मशीन को ऑन कर दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।